नजराना पेश करें। बड़ी चुन कर इसलिए कि अल्लाह के करम से हम सुन्नी हैं, कहिए हम नबी के गुलाम हैं और हमारे दिल की ही आवाज होती है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, जो मर्ज़िला दवा है उसे घोल के पिला दे, क्या नुस्खे शफा है सल्ले अला मोहम्मद। आप जानते हैं नबी पर दुरूद पेश करते हैं, यह ऐसा वजीफा है, यह ऐसा अमल है जो अल्लाह को महबूब है, अल्लाह को प्यारा है, और यह ऐसा अमल है कि हर सुन्नी अपने खलवत में भी पढ़ता है, अपने जलवत में भी पढ़ता है, मदरसे में भी पढ़ा जाता है, मस्जिदों से भी आवाज आती है, नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। इसलिए दुरूद पढ़ते हैं कि दुरूद के वजीफे से, दुरूद के विद से हमारी मुसीबतें दूर होती है, हमारी मुश्किलें खत्म होती है, अल्लाह आसानियां पैदा फरमा देता है। इसलिए कि किताबों में आता है, एक शख्स एक मर्तबा जंगल बियाबान का सफर कर रहा था, जंगल बियाबान में तनहा गुजर रहा था, गुजरते गुजरते बीच जंगल में उसे एक बुरी सूरत नजर आती है। एक सूरत बद को जब देखता है, एक डरावनी शक्ल सूरत को जब देखता है, वो इंसान घबरा जाता है, इसलिए कि उसके साथ कोई और नहीं है, और कोई नहीं है, वो तनहा मुसाफिर है, जंगल का सफर कर रहा था, एक बुरी सूरत को देखा, एक डरावनी सूरत को देखा जो उसके सामने खड़ी है, वो घबरा जाता है, कांपने लगता है, थर्रा जाता है, उसका सारे वजूद पर राशा तारी हो जाता है, जब उस पर कपकपा तारी होती है, वो घबरा करके पूछता है, बता तू कौन है, ऐसी डरावनी शक्ल सूरत में मेरे सामने कहां से आ गई, तू कौन है बता। उस बुरी सूरत से आवाज आती है, मैं तुम्हारा बुरा अमल हूँ, मैं तुम्हारा बुरा करतूत हूँ, दुनिया में तुमने जो बुराई का काम किया है, मैं बुराई वाला हूँ, मैं बुरा अमल हूँ। ये सुनने के बाद वो इंसान पूछता है, तू जब मेरा बुरा अमल है, तुझसे निजात पाने का क्या जरिया है, तुझसे छुटकारा पाने का क्या जरिया है, तो उस सूरत बद से आवाज आती है, तुम मुझसे छुटकारा चाहता है, निजात चाहता है, तो अपने नबी पर कसरत से तो निजात मिल जाएगा, छुटकारा भी मिल जाएगा, यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब। पूरा मन हाथों पर बदल करके इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती नौशाद अहमद साहब जिंदा, कलमाए अहले सुन्नत, बस एक बार सुबह से लिया था नामे रसूल, बस एक बार सुबह से लिया था नामे रसूल, अभी तड़किए हमारी जुबान रोशन है, और दुरूद पढ़ते हैं जो लोग अपने आका पर, बिना चराग के उनका मकान रोशन है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये दुरूद ऐसा वजीफा है कि एक शायर कहता है, आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़, आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है कि जिसके कल्ब में इस पे हुजूर होता है। सुभान अल्लाह, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, मेरी तकरीर का उनवान, मेरा मौजू खिताब है, तौबा नदामत बड़ी चीज है, जिन्होंने मुझे ये मौजू दिया है वो काबिल मुबारकबाद है, और ये इनफरादी जलसा है कि इसमें हर मुकर्रर को जुदा जुदा टॉपिक दिया जाता है, मौजू दिया जाता है, ताकि सामईन को इस चार रोजा जलसे में हर तरह की खिताब सुनने का मौका मिल जाए, और हर खिताब के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान को तरोताजा कर दे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल लजीन आमनु तूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कुरान शरीफ 28वें पारा सूरह तहरीम की आयत करीमा है, आयत तैयबा है, जिसमें अल्लाह के दुआओं का इरशाद है, सारी कायनात का जो पालनहार है, हमारा और आपका रब है, रब्बुल अर्द वस्समा है, जो रब काबा है, खालिकुल्ले शय है, फरमाता है, या अय्युहल लजीन आमनु तूबु इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो। कहिए सुभान अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, पक्की तौबा करो। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा के आंसुओं ने जहन्नम बुझा दिया, तौबा
बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए, सिपर का मान होता ढाल, तौबा बड़ी सिपर है गुनहगार के लिए। और एक गुनहगार क्या कहता है, हम गुनहगारों को तेरी मेहरबानी चाहिए। ऐ मेरे खालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे महबूब, हम गुनहगारों को तेरी मेहरबानी चाहिए। सब गुनाह धुल जाएगा, रहमत का पानी चाहिए। सब गुनाह धुल जाएगा, रहमत का पानी चाहिए। और आला हजरत फरमाते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मांग गया। और आला हजरत फरमाते हैं, हमारी हालत क्या है, हमारा तरीका क्या है, हमारी जिंदगी क्या है, तो आला हजरत फरमाते हैं, दिल लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहव में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, आज हमारा हाल क्या है, हम अपने गरीबान में नजर डाल करके सोचे और तन्हाई में बैठ करके सोचे, आज मुसलमान का हाल क्या है। मुसलमान गुनाह पर गुनाह करता है, लेकिन कभी उस पर नादिम शर्मिंदा नहीं होता, कभी गरीबान में नजर डाल करके सोचता नहीं कि ये जो मैंने किया है गुनाह का काम है कि नहीं, ये मैंने किया है खिलाफ शरा काम है कि नहीं, ये हमने काम किया है इसमें अल्लाह रसूल की नाराजगी है कि नहीं, आज का मुसलमान सोचता नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिए, तौबा नदामत है क्या, किताबों में आता है अन्नदमो तौबतु, बंदे मोमिन अगर अपने गुनाह पर नादिम हो जाता है, पसीमा हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना, अपने गुनाह पर नादिम हो जाना, गोया ये तौबा है। लेकिन आज का जमाना क्या है, इंसान गुनाह पर गुनाह करता है और इंसान खिलाफ शरा काम करता है, सोचता भी नहीं है कि ये गुनाह का काम है कि नहीं, ये खिलाफ शरा काम है कि नहीं। कुछ लोगों का तो मामला ये है कि गुनाह का काम करता है और उसे फैशन बना लेता है, खिलाफ शरा काम करता है, उलमा उसे तंबीह करते हैं, उसके बाद वो सुधरने का नाम नहीं लेता। ऐ मुसलमानों याद रखो, तुम्हें हमेशा दुनिया में नहीं रहना है, ये घर तुम्हारे और हमारे लिए हमेशगी का घर नहीं है, ये जावेदानी का घर नहीं है, ये दारे फना है, मरने के बाद जहाँ जाना है वो दारे बका है, वही हमेशगी का घर है। जिस घर में तुमको रहना है, हमेशा रहना है, उसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है, ये दारे फना है। यहाँ रह करके तुमने इस तरह से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार दिया, यहाँ रह करके तुम अपने रब को भूल गए, इसीलिए तो किसी शायर ने क्या तुम कहा, जिस घर में दो दिन रहना है उस घर को सजाया खूब, मगर जिस घर में हमेशा रहना है कैसा है वो घर मालूम नहीं। तुम्हें मालूम है, हमें मालूम है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, चंद दिनों के लिए रहना है, चंद सालों के लिए रहना है। आलीशान इमारतें बना देते हो, बंगले बना देते हो, महलों की तामीर कर देते हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है न ये आलीशान इमारतें तुम्हें बचाएंगे, न ये महल्लात तुम्हें बचाएंगे, तो तुम्हारे बंगले बचाएंगे। अगर तुम्हें बचाएगी तो नबी की शफात बताएगी, नबी की मोहब्बत बताएगी, खुदा की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा करोगे, अपने गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा हो जाओगे, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। नारे रिसालत, पैगामे शरीयत, जलसे सीरते पाक, हजरत अल्लामा मुफ्ती नौशाद रज़ा साहब तुला, पैदाने गौसो ख्वाजा, मसलके आला हजरत, मरकजी सीरत कमेटी। मेरे दोस्तों, हजरत हसन बसरी का नाम सुना है जी, हजरत हसन बसरी फरमाते हैं, तौबा के लिए चार सुतून हैं, चार पीला है। सबसे पहली चीज ये है कि तौबा करने वाला अपनी जबान से माफी का तालिब हो जाए। दूसरी चीज है कि जिसने गुनाह किया है अपने दिल से उस गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा हो जाए। तीसरी चीज ये है कि जब उसने गुनाह कर लिया, गुनाह के बाद अपने आजा को, जिस्म के हर बॉडी को जो है गुनाहों से रोके। चौथी चीज ये है कि वो पुख्ता इरादा कर ले, ये नीयत कर ले, अज्म बिल जज्म कर ले, अब आज के बाद से हम गुनाह ना करेंगे। इसलिए कि किताबों में आता है, तौबतन नसूह का माना यही है कि जब इंसान ने जिस गुनाह से तौबा कर लिया अब उस गुनाह की तरफ रुजू नहीं करेगा। एक शराबी ने शराब से तौबा कर लिया है, अब शराब खाने की तरफ नहीं जाएगा, मैं खाने में नहीं जाएगा, शराब की भट्टियों में नहीं जाएगा, उसके हाथ में शराब की बोतल नहीं होगी। तौबतन नसूह का माना यही है। जानी ने जब जिना
यहाँ से तौबा कर लिया, अब बाला खाने में नहीं जाएगा, बंगलों पर नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा। तौबतन नसूह का यही माना है, जिस गुनाह से आदमी तौबा कर लिया पूरी जिंदगी उस गुनाह से दूर रहेगा, उसकी तरफ रुजू नहीं करेगा, उसकी तरफ लौटेगा नहीं। और जो बंदे मोमिन इस तरह की तौबा करता है, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह की जात वो है कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा को कबूल फरमाता है और उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। वयालमु मा तफअलून, और जो तुम करते हो अल्लाह उसे जानता है। जवाब में माशाल्लाह की छुपी है, क्या उसे कोई चीज पोशीदा है? ला यख्फा अलैहि शय, अल्लाह की जात पर कोई चीज मफी नहीं है, कोई पुशीदा नहीं है। अगर उजाले में तुम गुनाह करो उसे भी रब जान रहा है, उसे भी रब देख रहा है। समंदर के तह में जाकर के गुनाह करो उसे भी रब देख रहा है। आसमान की बुलंदी पर जाकर गुनाह करो उसे भी रब देख रहा है। कब्रें बंद करके गुनाह करो उसे भी रब देख रहा है। अपने अहबाब की अंजुमन में गुनाह करो उसे भी रब देख रहा है। अपनी खलवत में करो उसे भी रब देख रहा है। अपनी अंजुमन में करो उसे भी रब देख रहा है। अपनी जलवत में करो उसे भी रब देख रहा है। ये तो उसका कर्म है कि बंदा गुनाह करता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर फरमा देता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला कार फरमाने लगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसके दहर से निजात पाए। ये उसका कर्म है कि हम गुनाह करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमें मोहलत दे रहा है, हमें छूट दे रहा है कि अब मेरा बंदा तौबा कर लेगा, मेरी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लेगा। है जिल से सीरत पाक में तशरीफ लाने वाले गिर्द नवा से खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आज के जलसे पाक में सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह का खादिम आपको पैगाम देता है। आप जलसा सुनने के लिए आए हैं, ये इरादा करके जाएंगे जो शरीयत की बात हमें बताई जाएगी, दीन की बात बताई जाएगी, हम उसको सुन करके उस पर अमल करेंगे, ये इरादा लेकर के आए हैं। तो मेरा ईमान कहता है कि जब तक आप बैठे रहेंगे अल्लाह आप पर अनवार और रहमत की बरसात बरसाएगा, आप भी पाक हो जाएंगे, आपका वजूद भी पाक हो जाएगा, और आप अपने घर में जाएंगे तो अल्लाह आपके घर में अनवार और रहमत की बरसात बरसाएगा। नारे तकबीर, पूरा मजमा इस्तकबाल करे, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे सीरत पाक, फैजाने औलियाए इकराम, आशिकाने मुस्तफा, मरकजी सीरत कमेटी, अल्लामा मुफ्ती नौशाद अहमद साहब कुल्ला। इसलिए शार कहता है जहाँ जिक्र हबीब अहमद मुख्तार, जहाँ जिक्र हबीब अहमद मुख्तार होता है वहाँ का जर्रा जर्रा मतलाए अनवार होता है। खुदाए पाक उस महफिल पे रहमत बार होता है कि जिस महफिल में जिक्र सैयद अबरार होता है। अल्लाह की रहमत होती है, रहमतों का नुज़ूल होता है, बरार रहमत नाजिल होती है, उस जगह पर नाजिल होती है जहाँ मुस्तफा का जिक्र जमील होता है, सैयदुल अंबिया का जिक्र जमील होता है, सरदार अंबिया का जिक्र जमील होता है, इमाम रसूल का जिक्र जमील होता है। और हमारी महफिल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती है जब तक कि हम नबी का जिक्र नहीं कर लेते हैं। इसलिए कि हमारे नबी दुनिया में भी हमारे सहारा है, कब्र में भी सहारा है, मैदान मंशर में भी हमारे सहारा है। बेशक सुभान अल्लाह, आप जानते हैं कि हाँ सुभान अल्लाह जवाब दिया जाए, बोलिए बोलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आप जानते हैं हजरत आयशे सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन महबूबे महबूबे रब्बिल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशे सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से यह हदीस पाक मरवी है। यह हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اعترف ثم تاب عليه تاب الله عليه। यह हदीस सुभान अल्लाह। हजरत आयशे सिद्दीका इस हदीस को रिवायत फरमाती हैं कि हमारे और आपके आका रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल अब्दा इजा एतरफा, जब बंदा अपने गुनाह का एतराफ कर लेता है, इकरार कर लेता है, इकरार कसूर कर लेता है, इकरार गुनाह कर लेता है, फिर उस पर तौबा करता है तो ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। और याद रखिए एतराफ गुनाह जो आदमी करता है, अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, अपने गुनाह को गुनाह तस्लीम कर लेता है,
अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला उसी को तौबे की तौफीक अता फरमाता है। वरना एक आदमी गुनाह करने के बावजूद भी गुनाह पर डटा रहता है, जरी रहता है और गुनाह को गुनाह नहीं समझता है तो उसे तौबा की तौफीक नहीं होती है। लेकिन जो अपने गुनाह को गुनाह समझ करके एतराफे गुनाह कर लेता है, एतराफे जुर्म जुर्म कर लेता है तो अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की उसे तौफीक मिलती है तो ऐसी तौबा करता है कि जमाने वालों के लिए वो मिसाल हो जाया करता है। आपने नहीं सुना है ऐसी तौबा कि जमाने वालों के लिए मिसाल हो जाती है वो तौबा। किताबों में आता है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के पैगंबर जलील कद्र पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह उनके जमाने का वाकया है। एक मरतबा उनके जमाने में तहत पड़ गया, बारिश ना होने की वजह से खेतों की हरियाली खत्म हो गई, खेतियां ना हो पाई, चरिंदों परिंद परेशान है, जानवर चरने के लिए घास नहीं पा रहे, लोग तहत की वजह से काफी परेशान है। उस जमाने की उनकी कौम जो बनी इसराइल कहलाती थी, अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में उनकी कौम आई जिनकी तादाद 1,000-2,000 नहीं बल्कि 70,000 की तादाद थी। उनकी कौम ने बनी इसराइल की हजरत मूसा अली इस्लाम की बारगाह में फरियाद किया, अय अल्लाह के नबी, अय अल्लाह के पैगंबर, आप देख रहे हैं तहत पड़ गया है, बारिश न होने की वजह से जानवर मर रहे हैं, इंसान मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, चरिंदों परिंद के लिए गजा नहीं है, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के मुकर्रब नबी हैं, महबूब नबी हैं, इसलिए कि जो नबी होता है मुस्तजाब दावत होता है, जो नबी होता है उसकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, आप अल्लाह के नबी हैं, आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उनकी कौम ने फरियाद किया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल में से 70,000 बनी इसराइल को लेकर के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक खुले मैदान में चले जाते हैं, ऐसे मैदान में पहुंचते हैं जहाँ दरख्त नहीं है, जो जंगल बियाबान से खाली है। एक खुले मैदान में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल जो 70,000 की तादाद में है लेकर के मूसा अलैहिस्सलाम को उठ गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज किया, मौला बारिश बरसा दे, ऐ अल्लाह तुझे उन बच्चों का वास्ता जो दूध पी रहे हैं, दूध पीने वाले बच्चों का वास्ता, बूढ़े नमाजियों का वास्ता, चरिंदों परिंद का वास्ता, घास चरने वाले जानवरों का वास्ता, मौला बारिश बरसा दे, बारिश ना होने से लोग मर रहे हैं, परेशान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, हाथ उठाने के बाद हाथ जब नीचे किया तो क्या देखते हैं, आसमान पहले से भी ज्यादा साफ और शफाफ हो जाता है, आसमान क्या सूरज जो है पहले से भी ज्यादा गर्म हो जाता है, आसमान पहले से भी ज्यादा साफ और शफाफ हो गया, आफताब पहले से भी ज्यादा गर्म हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कहीं आसमान पर बादल का टुकड़ा नहीं है, अब्र का टुकड़ा नहीं है, कहीं सफेद टुकड़ा आसमान पर जाहिर नहीं हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को जब नीचे किया तो जब ये मंजर देखा फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ताला क्या मेरी वजाहत तेरी बारगाह में कम गई है, क्या मेरा मकाम तेरी बारगाह में कम गया, हे मौला तुझे वास्ता है उस नबी का जो नबी आखिरी जमा है, जो खातमुन नबीयीन है, जो आखिरी नबी आने वाले हैं, जो अंबिया के सरदार बन के आएंगे, जो इमाम रसूल बन के आएंगे, मौला उस आने वाले नबी आखिरी जमा का वास्ता है, मौला बारिश बरसा दे, मौला रहमत की बारिश बरसा दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ किया, हाथ नीचे किया, फिर देखते हैं कि आसमान साफ और शफाफ है, पहले से भी ज्यादा साफ हो गया है, आसमान का सूरज पहले से भी ज्यादा गर्म है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अरीजा पेश किया, बोला क्या तेरे कलीम का मर्तबा तेरी बारगाह में कम गया है, क्या कलीम की वजाहत तेरी बारगाह में कम गई है, मौला आखिर बारिश क्यों नहीं हो रही है, मौला महबूब का वास्ता दिया, तेरे प्यारे का वास्ता दिया, बारिश क्यों नहीं हो रही है। गैर से आवाज आती है, ऐ मेरे कलीम तेरा मकाम मेरी बारगाह में कमा नहीं है, तेरी वजाहत मेरी बारगाह में कमी नहीं है, तेरी शान मेरी बारगाह में कमी नहीं है, बारिश जो नहीं हो रही है उसकी वजह यह है कि तेरी कौम में से एक मेरा ऐसा बंदा है जो 40 साल मेरी नाफरमानी कर रहा है, उसी की बुनियाद पर बारिश रोक दी गई है और उसी की वजह से तहत पड़ गया है, उसे अपनी जमात से निकाल दो अभी बारिश हो जाएगी। 40 साल से मेरा एक बंदा है जो मेरी नाफरमानी कर रहा है और उस जमात में वो हाजिर है, ऐ मेरे कलीम उसे निकलने का हुक्म दे दो, वो अगर निकल जाएगा मैं बारिश बरसा दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला
मैं ज़ईफ व नातवा, मैं कमजोर बंदा। ये बनी इसराइल 1-2 हज़ार नहीं बल्कि 70,000 है। उस वो लाउड स्पीकर का भी जमाना नहीं, जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि दूर तक आप अपनी आवाज पहुंचा दिए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला मेरी आवाज तो कमजोर है, ये 70,000 का मजमा है, सब तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? बारगाह रब से जवाब मिलता है, मूसा तेरा काम है आवाज देना, अल्लाह तबारक व तआला उसे पहुंचा देगा। अल्लाह का काम है पहुंचा देना, तू आवाज दे दे। मूसा कलीमुल्लाह ने जब आवाज दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आवाज को अपनी कुदरत कामला के जरिए सारे बंदे के कानों तक पहुंचा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर के कहा, ऐ वो इंसान कौन है जो 40 साल से रब की नाफरमानी कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर बनी इसराइल पर ये तहत का जमाना आ गया। बनी इसराइल के ऊपर तहत पड़ा है, बारिश ना होने की वजह से जानवर मर रहे, चरिंदों परिंद मर रहे हैं, इंसान मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता, जो मेरी जमात में हाजिर है उससे निकल जा, निकल जा, तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही है। अब उसके बाद जानते हैं कि वो इंसान जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था, वो देखता है कि मजमा से एक भी नहीं निकला, कोई आदमी नहीं निकलता है। वो समझ जाता है कि नहीं, वो अल्लाह का बंदा हूँ जो 40 साल से नाफरमानी कर रहा हूँ, मासीयत कर रहा हूँ, गुनाह पर गुनाह कर रहा हूँ, खता पर खता कर रहा हूँ, शरीयत का हुक्म नहीं मान रहा। लेकिन उस शख्स ने क्या सोचा? उसने सोचा कि मजमे से मैं निकलूंगा तो सबके सामने जलील और रुस्वा होगा, और नहीं निकलता हूं तो मेरे ना निकलने की वजह से बारिश ना होगी, जिसकी वजह से बनी इसराइल भी परेशान हो जाएंगे। याद रखो उस बंदे मोमिन ने अब उसी वक्त जो है अपनी चादर से अपने चेहरे को ढाप लिया, छुपा लिया, और चादर से मुंह छुपा करके दिल ही दिल में सिद्ध से दिल से तौबा किया है, परवरदिगार आलम तू रहीम और करीम है, तू अरहमुर राहिमीन है, तेरे रहम और करम की कोई इंतहा नहीं। मौला ये सच है कि मैं 40 साल से नाफरमानी कर रहा हूँ, तेरा हुक्म नहीं मान रहा हूँ, तेरे नबी की शरीयत पर मेरा कदम नहीं है, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक मेरा चलना नहीं हो रहा, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, रोजे नहीं रखता हूँ, तेरे हुक्म को नहीं मान रहा, नाफरमानी कर रहा हूँ, 40 साल से नाफरमानी कर रहा, मौला आज मेरी लाज रख ले, इन बंदगाने खुदा के सामने मुझे जलील और रुस्वा होने से बचा ले। ऐ मौला, हम सिद्क से दिल से तौबा करते हैं, आज के बाद से कभी हम गुनाह का काम ना करेंगे, खता का काम ना करेंगे, शरीयत के खिलाफ मेरा कदम नहीं उठेगा, मौला मेरी लाज रख ले, मौला मुझे इनके सामने जलील और रुस्वा होने से बचा ले। सिद्क के दिल से जब तौबा किया, सच्ची तौबा किया, पक्की तौबा किया, अज़्म बिल जज़्म होकर के तौबा किया, आइंदा गुनाह ना करने के इरादे से तौबा किया, किताबों में आता है कि जब उसने तौबा सिद्क दिल से किया तो अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल फरमाया। जब तौबा को कबूल फरमाया तो थोड़ी देर के बाद आसमान के ऊपर सफेद बादल का टुकड़ा जाहिर हो गया, और पूरे तौर से आसमान जो है बादल के टुकड़े में हो गया, पूरे तौर से आसमान पर इस तरह से बादल छा गया कि उसके थोड़ी देर के बाद पूरे मूसलाधार झमझम बारिश हुई। जब बारिश होती है, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने खुदा की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला कोई बंदा तो निकला नहीं जो 40 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा था, वो निकला नहीं, आखिर बारिश कैसे हुई? बारगाह रब से जवाब मिलता है, ऐ मेरे कलीम, जिसकी वजह से बारिश रुकी गई थी उसी की वजह से बारिश नाजिल हो गई है, उसी के तौबे की बुनियाद पर बारिश हो रही है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला हम तेरे उस बंदे को देखना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा, मेरे कलीम, जब नाफरमानी के जमाने में मैंने उसको रुस्वा नहीं किया, आज तो मेरा फरमाबरदार बंदा हो गया है, मैं उसे जलील रुस्वा नहीं करूंगा। रहमत खुदावंदी, इनाम खुदावंदी, फजल खुदावंदी, अब फरमाबरदारी के जमाने में मैं उसे जलील रुस्वा कैसे करूं? तो मालूम क्या हुआ, बंदा सिद्क दिल से तौबा करता है और सच्ची तौबा का रिजल्ट यही होता है कि अल्लाह उसके सबसे तुफैल बारिश बरसा देता है, बारिशों का नुजूल होता है। ऐ मुसलमान साहब, आज भी इस महफिल में बैठ करके आप जो जो गुनाह करते हैं, अगर शराब पीते हैं तो शराब से तौबा करिए, जिना करते हैं तो जिना से तौबा करिए, सूद खाते हैं तो सूद से तौबा करिए, झूठ बोलते हैं तो झूठ से तौबा करिए, नमाज से दूर है उससे तौबा कर लिए, नमाज के पाबंदी करने वाले हो जाए, नमाज की पाबंदी करिए, पंचगाना नमाज पढ़िए, बाजमात नमाज पढ़िए, इसलिए कि नमाज पढ़ोगे चेहरे पर नूर हो जाएगा, कब्र में नबी दो जहां की ज्यारत से मसरूर होते नजर आओगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसलिए मेरे दोस्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर।
जिंदाबाद जिंदाबाद जब सिद्के दिल से अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा को कबूल फरमाता है। और अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, मेरे बंदे को मेरी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ऐ मेरे दोस्तों, याद रखो, हर जमाने में लोग गुनाह करते हैं, लेकिन वो लोग काबिले मुबारकबाद हैं जो अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के जब तौबा कर लेते हैं तो उनकी तौबा का वाकया किताबों में ज़र्री हुरूफ से लिखे जाते हैं और तारीख उस पर मुरत्तब हो जाती है। आप जानते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की बात है, हुजूर के जमाने में एक अंसारी सहाबी जो जवान सहाबी थे जिनका नाम था हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, ये अंसारी सहाबी थे लेकिन जवान सहाबी थे जिनका नाम था सालबा, उनके वालिद का नाम था अब्दुर्रहमान। सालबा इब्न अब्दुर्रहमान जो हुजूर की खिदमत में रहते थे, अभी तक शादी नहीं की थी, अभी नए नए मुसलमान हुए थे, अंसार कबीले से ताल्लुक रखते थे, हुजूर की खिदमत में रहा करते थे, सब रोज हुजूर की बारगाह में रहा करते थे। एक मरतबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस जवान सहाबी को किसी काम के लिए भेजा, वो जवान सहाबी हुजूर की खिदमत पर मामूर हो गए और काम के लिए जब निकलते हैं मदीने की गलियों से जब जाते 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 रास्ते में उनकी नजर एक घर पर पड़ जाती है और घर के रोशनदान पर नजर पड़ जाती है, खिड़की पर नजर पड़ जाती है, आप क्या देखते हैं कि उसके अंदर एक औरत गुस्ल कर रही है। मुसलमानों गौर से सुनो और अपने गरीबान में नजर डाल करके सोचना, एक इंसानी सहाबी है, उनकी नजर जो पड़ी थी बिला इरादा पड़ी थी। उलमा से सुन लीजिए, एक कस्तो इरादा से देखना होता है और एक बगैर इरादा के देखना होता है, एक देखना होता है और एक दिख जाना होता है। दिख जाने पर शरीयत का मुआखजा नहीं है, देखने पर मुआखजा है। दिख जाने का मतलब ये कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ, कोई औरत मेरे सामने आ गई, उस पर नजर पड़ गई, तो इसको कहते हैं दिख जाना। और एक है बार बार उस औरत पर नजर डालना, इसका नाम है देखना। वो सहाबी रसूल रास्ते से चल रहे थे, मदीने की गलियों से गुजर रहे थे, एक रोशनदान पर नजर पड़ गई, उस रोशनदान के जरिए से उन्होंने औरत को देख लिया कि औरत गुस्ल कर रही थी। अब उसके ऊपर अल्लाह का खौफ कैसे तारी होता है, अल्लाह का डर कैसे तारी होता है, खशियत इलाही किस तरह से उनके सारे वजूद पर तारी हो जाती है। वो इंसान उसी रास्ते से आगे बढ़ जाता है, अब उस पर डर तारी हो गया कि कहीं रसूलुल्लाह पर वही नाज़िल ना हो जाए, मेरे बारे में हुक्म इलाही ना जाए कि मैंने एक गुनाह का इर्तिकाब किया। खौफ इलाही, खशियत इलाही से डर करके घबरा करके वो मदीने की गलियों को छोड़ देता है, मदीने की आबादियों को छोड़ देता है, जंगलों बियाबान की तरफ चला जाता है, एक पहाड़ का रुख कर लेता है और एक पहाड़ के गार में कोह में चला जाता है और वही जाकर के ज़ारो क़तार होता है, अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, इस्तग़फ़ार करता है, तौबा करता है और खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होता है। इधर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को हमेशा अपनी बारगाह में देख रहे थे। आज कई दिन हो गए, उस सहाबी का आता पता नहीं। मेरे आका हर नमाज से फारिग होने के बाद जब सलाम फेरा करते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दूसरी तरफ सलाम फेरते फौरन पूछते थे ऐ मेरे सहाबा बताओ तुम में से कोई को खबर है मेरा सालबा कहाँ चला गया, मेरा नौजवान सहाबी कहाँ चला गया। नबी को अपने गुलामों से किस कदर प्यार है, मुस्तफा को अपने सहाबी से किस कदर प्यार है, आशिकों से किस तरह प्यार है, हम नबी से प्यार करते हैं, मेरे आका हम गुलामों से उससे ज्यादा मोहब्बत फरमाते हैं। यही वजह है कि हर नमाज के बाद हुजूर पूछते थे सालबा कहाँ है, कोई खबर रखता है, कोई पता रखता है, किसी को पता नहीं है। एक दिन हुए नहीं, दो दिन हुए नहीं, बल्कि 40 दिन तक उसी पहाड़ के गार में खोह में हजरत सालबा अपने गुनाहों की माफी चाहते रहे, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुए। इधर जिब्रील अमी ताइर सिदरा बुलबुल सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी बारगाह रिसालत बाग में वही लेकर के हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज किया या रसूलुल्लाह अल्लाह आपको सलाम भेजता है। ऐ अल्लाह के नबी सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका एक गुलाम, आपका एक वफादार अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर के एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 40 दिन से पहाड़ के गार में खुदा की बारगाह
में तौबा और इस्तिगफार कर रहा है। मेरे आका अल्लाह ने आपको इतना सुनना था, मेरे आका रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबी को पुकारा, एक है हजरत उमर फारूक और दूसरे हजरत सलमान फारसी। हुजूर ने फरमाया है उमर फारसी जाओ सलमा को मेरी बारगाह में लेकर के आओ, तलाश करके आओ किस पहाड़ के गार में, किस पहाड़ के कोह में सलमा है, तौबा कर रहे हैं, नादिम है, इस्तिगफार कर रहे हैं। अल्लाह ने वही भेजी हजरत उमर फारूक, हजरत सलमान फारसी, हजरत सलमा की तलाश में निकल गए। जंगल बयाबान का रुख किया, पता लगाया, किसी ने पता ना दिया। आखिर और बढ़े तो एक चरवाहे को देखा जो अपनी बकरियों को चरवा रहा था। उस चरवाहे से पूछा, ऐ मेरे भाई बता, यहाँ से एक नौजवान गुजरा है जिसका नाम सलमा है, तुम उसको गुजरते हुए देखे हो, इधर से उसका गुजर हुआ है। उस चरवाहे ने कहा, मैंने उसका नाम नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ एक ऐसा शख्स है जो जहन्नम से निजात पाने के लिए गया है, जहन्नम से छुटकारा पाने के लिए गया है। उन्होंने पूछा, हजरत उमर फारूक ने तुमने कैसे समझ लिया कि वो जहन्नम से निजात पाने के लिए गया है, जहन्नम से छुटकारा पाने के लिए गया? हाँ हाँ, उसकी वजह यही है, ये जो पहाड़ नजर आ रहा है, इसी पहाड़ के घर में दिन भर इबादत करता है, रियाजत करता है, तौबा इस्तिगफार करता है। जब आधी रात हो जाती है, उस पहाड़ के खोह से निकलता है, घर से निकलता है और अपनी पेशानी पर अपना हाथ रखता है, रख करके खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, मेरे रूह को रूहों में कब्ज कर लेना, मेरे जिस्म को जिस्मों में उठा लेना, आने से पहले मौला दुनिया से मुझे उठा ले। बार बार उनका यही तरीका है कि जब भी पहाड़ से बाहर आते हैं तो रात के आधे पहर में अपनी पेशानी पर हाथ रख करके यही दुआ करते हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, वो कब आएंगे? उस चरवाहे ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, आधी रात गुजर जाएगी, पहाड़ के घर से आएंगे, पहाड़ के खो से आएंगे। हजरत उमर फारूक, हजरत सलमान फरमाते हैं कि हम लोगों ने देखा रात, आधी रात जब गुजर गई, आधी रात गुजरने के बाद हजरत सलमा उस पहाड़ के घर से आते हैं, पहाड़ के खो से आते हैं, बाहर आते हैं, अपनी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करते हैं, अल्लाह मेरी रूह को रूहों में कब्ज कर लेना, मेरे जिस्म को जिस्म में उठा लेना, फैसले आने से पहले दुनिया से मुझे मौला उठा लेना। परवरदिगार आलम की बारगाह में हजरत सलमा ने जब इस तरह से दुआ की है, इस तरह से दुआ किया है, दुआ की कैफियत जब ये हुई, पीछे से हजरत उमर फारूक आते हैं, हजरत सलमा के पुष्प पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, सलमा ये क्या कर रहे हो? हमने गुनाह किया है, हम अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा है, खुदा की बारगाह में इस्तिगफार कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक ने कहा, चलो नबी तुम्हें बुला रहे हैं, रहमतुल्लिल आलमीन तुम्हें बुला रहे हैं, मुहसिन इंसान ने तुम्हें बुला रहे हैं, सारे उम्मत तुम्हें बुला रहे हैं, बेकसों का कस बुला रहा, बेसहारों का सहारा बुला रहा, रहमतुल्लिल आलमीन आ बुला रहे, मक्की मदनी सरदार बुला रहे, अरे वो बुला रहे हैं जिनके बारे में कादु शरिया ने फरमा दिया, जहां पानी अता कर दे, अल्लाह ने मुफ्ती नौशाद अहमद साहब खुदा फैजाने मुजाहिदे मिल्ला फैजाने गौसो ख्वाजा फैजाने आला हजरत जलसे सीरते पाक वो बुला रहे हैं जिनकी शान ये है कि आला हजरत की बारगाह के चहीते पुकार उठते थे, जहां बानी अदा कर दे भरी जन्नत हिमा कर दे। इन बदअकीदों को ये नजर नहीं आता, लेकिन क्या कहोगे, खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। इनके आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, लेकिन सच्चाई यही है, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, हक है बेशक सुभान वाला है, अल्लाह की मखलूक में सबसे बाला है, सबसे आला वाला है, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अरे नबी की बारगाह के गुलाम जो वली होते हैं वो ईशान के मालिक होते हैं कि जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली मुख्तार का जब आलम है, मुख्तार का आलम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर फारूक ने कहा, चलो। हजरत सलमा ने कहा, क्या मेरे नबी को मेरे गुनाहों का इल्म हो गया? गौर से सुनिए, क्या मेरे नबी को मेरे गुनाहों का इल्म हो गया? उमर फारूक ने फरमाया, मुझे ये पता नहीं है, लेकिन कल नबी तुम्हें तलाश कर रहे थे, तुम्हारे आने के बाद हर दिन नबी तुम्हें तलाश करे। सलमा ने कहा, क्या मुझे तलाश करे? हाँ। उमर ने कहा कि नबी अपने गुलामों को बहुत तलाशते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। ऐ सलमा, जब से तुम हुजूर की बारगाह से गायब हुए, हर वक्त की नमाज के बाद हुजूर तुम्हारे बारे में पता लगाते रहे। कल हुजूर सरवरे दो जहां ने खास तौर से हम लोगों को बुला करके भेजा है। हजरत सलमा ने क्या कहा? मुझे हुजूर की बारगाह में ले चलना, लेकिन उस वक्त ले चलना नारे तकबीर
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत इस्तकबाल करें जवाब दीजिए हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहसन रजा साहब कहिए सुभान अल्लाह मुफ्ती अहसन रजा साहब सीतामढ़ी की सरजमीन से आपके बिहार मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं इंशाल्लाह उनके खिताब लाए आपसे मौजूद होंगे कहिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सालवा ने कहा है उमर ए सलमान मुझे हुजूर की बारगाह में उस वक्त ले चलना जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे नमाज की हालत में होंगे उसी वक्त ले चलना उमर फारूक ने कहा ठीक है मैं उसी वक्त ले चलूंगा हजरत उमर फारूक है सलमान फारसी है हजरत सालवा है ये तीनों पहुंचते हैं मस्जिद नबी शरीफ में उस वक्त पहुंचते हैं जब नबी दो जहां नमाज पढ़ा रहे इमामत फरमा रहे थे हजरत उमर फारूक जो है हजरत सलमान फारसी जो है सब में शामिल हो जाते हैं और हजरत सालवा जब नबी की तिलावत सुनते हैं तिलावत कुरान को समाअत फरमाते हैं उन पर अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है बेहोश होकर के हजरत सालवा जमीन पर गिर जाते हैं नबी जब नमाज से फारिग होते हैं तो पूछते उमर सलमान बताओ सालवा का क्या वाकया है सालवा का क्या मामला है सालवा आए उमर फारूक ने कहा या रसूलल्लाह सालवा हाजिर हो गए हैं जमीन पर पड़े हुए हैं जमीन पर गिरे हुए हैं बेहोश है मेरे नबी ने देखा वाकई सालवा जो है जमीन पर पड़े हुए हैं बेहोश है जब उन्हें होश आया इफाका हुआ तो हुजूर ने पूछा सालवा कौन सी चीज ने तुमको मेरी बारगाह से गायब कर दिया था सालवा ने कहा या रसूलल्लाह एक गुनाह ने एक अल्लाह के डर ने मुझे आपकी बारगाह से गायब कर दिया वरना कौन है जो आपकी बारगाह से दूर रहना चाहे अरे आपकी बारगाह के जो करीब हो जाता है जो ईमान के साथ आपको देख लेता है जाहिरी निगाह से देख जाता है वो सहाबी के इजाज़ से मुशर्रफ या रसूलल्लाह कौन दूर होना चाहता है लेकिन एक गुनाह की बुनियाद पर एक अल्लाह के खौफ की वजह से मैं आपकी बारगाह से गायब हुआ मेरे नबी ने फरमाया सालवा तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह करीम है अरहमुर राहिमीन है उसके रहम व करम की कोई इंतहा नहीं तुम्हें मालूम नहीं अल्लाह की बारगाह में बंदा जब सिर से दिल से तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है सालवा ने कहा ये तो बात सही है लेकिन मेरा गुनाह बहुत बड़ा है मेरे नबी ने फरमाया कितना बड़ा है कहा बहुत बड़ा है अर्श से बड़ा है कहा हां कुर्सी से बड़ा है कहा हां जमीन से बड़ा है कहा हां कुर्सी से बड़ा है कहा आसमान से बड़ा कहा हां फिर मेरे नबी ने फरमाया क्या अल्लाह के कलाम से बड़ा है सालवा ने कहा नहीं ना अल्लाह के कलाम से बड़ा है ना अल्लाह की रहमत से बड़ा है तो जब अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है तो अल्लाह अपनी रहमत से अपने बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है उसके बाद सालवा के ऊपर देखिए खौफ और डर का आलम यह रहा कि 8 दिन तक बीमार रहे हजरत सलमान फारसी हुजूर की बारगाह में आए गया रसूलल्लाह सालवा के बारे में पता है क्या बताओ क्या बात है क्या सालवा 8 दिन से बीमार है बिस्तर पकड़ चुके हैं अब दुनिया से रखते सफर बांधने वाले हैं उनकी हालत बता रही है मेरे आका जो अपने गुलामों पर बड़े मोहब्बत फरमाने वाले थे मेरे नबी ने फरमाया अपने सहाबा से चलो सालवा की आदत के लिए चलते हैं मेरे नबी सालवा की आदत पे पहुंचे देखा हजरत सालवा है जमीन पर लेटे हुए हैं जिस्म बड़ा कमजोर हो चुका है नहीं तो नातवा है लगता है कि चंद दिन के मेहमान हैं मेरे नबी अजराहे मोहब्बत और मोहब्बत फरमाते हुए मेरे नबी ने सालवा के सर को अपने गोद में रखा अपने गोद में जब रखा तो सालवा ने अपने सर को हुजूर की गोद से हटा लिया मेरे नबी ने फरमाया सालवा तुमने अपने सर को मेरी गोद से क्यों हटाया अब देखो सालवा का ईमान देखो सालवा का अकीदा देखो सालवा की मोहब्बत देखो सालवा ने कहा या रसूलल्लाह कौन है जो अपने सर को आपकी गोद से हटाए लेकिन या रसूलल्लाह मेरा ये सर गुनाहों में डूबा हुआ है आपका सारा वजूद पाक है आप पाक है आपका वजूद पाक है आप हर गुनाह से पाक और साफ है या रसूलल्लाह मेरा ये सर मेरी ये आंखें गुनाहों से भरी हुई है मैं नहीं चाहता हूँ कि गुनाहों में डूबा हुआ ये सर आपकी गोद में है इसलिए या रसूलल्लाह मैंने अपने सर को जो है आपकी गोद से हटा लिया उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं सालवा बता क्या महसूस कर रहे हो सालवा ने कहा या रसूलल्लाह इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे जिस्म को मेरे खाल को मेरी बॉडी को कोई ऐसे काट रहा है तो कहा कैसे महसूस होता है कहा ऐसा महसूस होता है जैसे कि चूटी काटे उस तरह से एक एहसास हो रहा है मेरे नबी ने फरमाया सालवा क्या चाहते हो सालवा ने कहा या रसूलल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि रब की बारगाह से मुझे परवाने निजात मिल जाए मगफरत का परवाना खुदा की बारगाह से आ जाए मैं यही चाहता हूँ हजरत जाबिर जो रिवायत करते हैं वो फरमाते हैं थोड़ी देर भी ना गुजरा था जिब्रील अमीन ताई ने सिदरा बुलबुल ने सिदरा सैय
हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह आप तरफ आपको सलाम भेजता है और आप तरफ कहता है कि सालमा अगर जमीन के बराबर भी गुनाह करता तो उसने ऐसी तौबा की थी कि मैं उसके सारे गुनाहों को माफ करवा देता और जन्नत का परवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसने सरकारे मदीना पैगाम इस्लाम मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती नौशाद रजा साहब चुबला। मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील वही लेकर के हाजिर हुए। जिब्रील अमी ने कहा या रसूलल्लाह आपको रब आपको सलाम कहता है और कहता है कि अगर सालवा जमीन के बराबर भी गुनाह करता तो मैं उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। मेरे नबी ने हजरत सालवा को बशारत दी, सालवा मुबारक हो, अल्लाह की बारगाह से तुम्हें मगफरत का परवाना मिल गया, निजात का परवाना मिल गया। हजरत सालवा ने जब ये खुशनूदी सुनी, परवाने निजात सुना, ये मुजदर सुना, एक सांस लिया और एक सांस लेने के बाद रूह कब से उसरी से परवाज कर गई और दुनिया से रक्षित सफर बांध लिए। अब हुजूर ने हुक्म दिया सहाबा सालवा के गुस्ल कफन का इंतजाम करो। गुस्ल कफन का इंतजाम किया गया, तजहीज और तकफीन सालवा की कर दी गई, नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। उसके बाद हुजूर सरवरे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सालवा के साथ जब चल रहे थे तो मेरे नबी के चलने का आलम यह था कि मेरे नबी पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे, पूरे पैर को जमीन पर रख करके नहीं चल रहे थे। जब तजहीज और तकफीन से सहाबा किराम फारिग हो गए, शहरे खमोशा ले जाकर उन्हें लिटा दिया। फरागत के बाद सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपके चलने का अंदाज निराला है, आप इससे पहले चलते थे तो पूरे पैर को जमीन पर रख करके चलते थे, इस बार सालवा के जनाजे में आप चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे, एड़ियों के बल चल रहे थे, चलने का आलम क्या है, वजह क्या है? मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा जो मैं देखता हूँ तुम नहीं देख पाते हो, जिसको मेरी निगाहें देखती है तुम्हारी निगाहें नहीं देखती है। ऐ सुन्नियो अपना अकीदा मजबूत कर लो, जब मेरे सहाबा जो है नबी के बराबर ना हो सके, आज का देवबंदी वहां भी कहता है एक मुसलमान नबी के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, नबी नबी है, उम्मती उम्मती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा। मेरे नबी ने जब जब मेरे नबी से जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सालवा की नमाज जनाजा में आसमान से इतने फरिश्ते कसरत से नाजिल हो गए थे कि मुझे जमीन पर पैर रखने की वजह न थी, मैं जमीन पर पैर नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैं पंजों के बल चलता था, इसलिए सालवा के जनाजे में बेशुमार फरिश्तों की जमात जमीन पर उतर गई थी। तो यह है सालवा जब सिद्क के दिल से तौबा करे तो अल्लाह ताला उन्हें परवाने निजात अता फरमाता है, मगफिरत अता फरमा देता है। और नमाज जनाजे में आलम यह है कि इंसान तो इंसान फरिश्तों की जमात भी उतर जाती है। ऐ सुन्नी मुसलमानों आज के सीरत पाक कॉन्फ्रेंस में आप ये अज्म कर लीजिए और इरादा कर लीजिए और पुख्ता इरादा कर लीजिए और नीयत करके जाइए कि आज के बाद से हम गुनाह नहीं करेंगे, शराब को छोड़ देंगे, जिना को छोड़ देंगे, सूदखोरी से दूर रहेंगे, झूठ से दूर रहेंगे, जो भी काम करेंगे शरीयत मुतहरा के मुताबिक करेंगे। इसलिए कि शायर कहता है सुन्नत आम करे दीन का हम काम करे, सुन्नत आम करे दीन का हम काम करे, नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले, जलसे सीरत पाक जिंदाबाद, मुसलमानों ने शाहराम पाइंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खुशी हुई आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, सलामत सरकार मुजाहिद मिल्लत के खादिम, आपकी इस मोहब्बत को बारगाह मुजाहिद मिल्लत में जरूर पेश करेगा कि सरदार वहां मैं गया था, आपके चाहने वाले आपके आशिकों का मजमा था जो नबी की मोहब्बत में मचल रहे थे, मुस्कुराते नजर आ रहे थे। आप जानते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत का यूर्स 30 नवंबर और 21 दिसंबर को है इंशाल्लाह। कितना? 30 नवंबर और 21 दिसंबर को सरकार मुजाहिद मिल्लत का उर्स पाक मनाया जाएगा। आप में से जो हाजिर होना चाहते हैं हाजिरी दे करके सरकार मुजाहिद मिल्लत के फैज से मालामाल हो। आमीन वाफ दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।